एक्सरसाइज 3.19 है, तीन ग्राफ आपको कहे और आपसे कहा गया सजेस्ट सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब हर ग्राफ के लिए, ग्राफ ए ये किस कंडीशंस में किस सिचुएशन में बन सकता है, ग्राफ बी किस सिचुएशन में बन सकता है और ग्राफ सी किस सिचुएशन में बन सकता है। तीनों ही ग्राफ टाइम के साथ साथ हैं, लेकिन पहला ग्राफ पोजिशन टाइम है, दूसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम है और तीसरा ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम है। तो एक एक करके चलो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहला वाला पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ करने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ है एक्स टी, ये आपका जीरो टाइम जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, और आपके ग्राफ की शेप क्या है, ग्राफ की शेप है ये एक्स एक्सिस से मिलकर चल रहा है, फिर ये ग्राफ ऊपर उठा, वाई एक्सिस पर पहुंचा, ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर पहुंचा, ये ए लिखा हुआ है, फिर यहाँ आया, बी लिखा हुआ है और फिर ये आपका हो गया। पहले तो ये बताओ कि ये मैं इस ग्राफ के तीन चार पार्ट बना रहा हूँ, देखो इस पार्ट को मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, ये वाली लाइन में लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट, ये वाली लाइन लिख रहा हूँ मैं थर्ड पार्ट, फिर ये वाली लाइन नीचे की लिख रहा हूँ फोर्थ पार्ट, और ये वाली लाइन लिख रहा हूँ मैं फाइव, पांच पार्ट बना लिए मैंने टोटल ग्राफ के। तो जरा बताना ये फर्स्ट पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजिशन टाइम ग्राफ है ये, वाई एक्सिस पर पोजिशन है बॉडी और एड्रेस, बॉडी बॉडी एड्रेस। एड्रेस ये जो फर्स्ट पार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपको एक एक बात की क्लियर आपको पता होगा तभी आप ये सोच सकते हो कि ऐसी कहाँ कंडीशन बनेगी। ये फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बॉडी एट रेस्ट। अब सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताना जी जरा, सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर सर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है ये, है ना, मतलब टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है और पोजिशन बढ़ते चली जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन। हालांकि अभी ये इनकम्प्लीट है आपका आंसर, अभी आपका आंसर ये इनकम्प्लीट है, अभी आपका आंसर इनकम्प्लीट है, अभी क्या इनकम्प्लीट है इसमें देखेंगे हम जरा। अब ये थर्ड पार्ट बताना क्या रिप्रेजेंट करता है, सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिटार्डेशन यूनिफॉर्म। नहीं, रिटार्डेशन तो नहीं है, तो एक्स पोजिशन टाइम ग्राफ पर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, वो कर्व बनता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से यहां तक का पार्ट, देखो टाइम बढ़ने के साथ साथ पोजीशन घटती चली आ रही है और स्ट्रेट लाइन है, टाइम बढ़ता जा रहा है, जीरो टाइम पर यहां आगे बढ़ा, टाइम और पास आ गया, और पास आ गया, और पास आ गया। अच्छा यहां बताओ, यहाँ इस पॉइंट पर जहां मेरा पेन रखा है, यहां बॉडी का मोशन, मोशन के बारे में क्या, पोजीशन के बारे में आप क्या कह सकते हो, पोजीशन के बारे में क्या कह सकते हो, बॉडी की पोजीशन क्या है, रेस्ट में सर, नहीं पोजीशन क्या है बॉडी की ये बताओ, यहाँ जहाँ मैंने पेन रखा है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है यहाँ बॉडी, बियॉन्ड बियॉन्ड फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा यहाँ मैंने पेन रखा, यहाँ बताओ कि बॉडी की पोजीशन क्या है, बॉडी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। चलो मैं इसको डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ, ये मेरा ओरिजिन है और यहाँ ये बॉडी है, मेरे ओरिजिन पर ही बॉडी यहाँ थी यहाँ है, तो ए मैंने जहाँ पहन रखा है, इस पॉइंट पर आप बताओ कि बॉडी की क्या पोजीशन है, पोजीशन बता दो सिर्फ पोजीशन, सर ओरिजिन के ऊपर ही। ओरिजिन पर ही रखा है, देखो ये देखो ना भाई, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं कुछ, कोई पोजीशन आगे बढ़ी नहीं, तो यहाँ बॉडी कहाँ रखी है, एट ओ, एट ओ, एट ओ, एट ओ, एट ओ, और यहाँ भी बॉडी क्या है, एट ओ, मतलब क्योंकि ओरिजिन पर है। अब बताओ यहाँ पर कहाँ है बॉडी, जहाँ मेरा पेन इस टाइम, बॉडी की पोजीशन क्या है, जहाँ मेरा पेन इस टाइम बॉडी ओरिजिन पे, है, कहाँ बताओ, ओरिजिन पे ओरिजिन पर है ना, डिस्प्ले है ही नहीं, पोजीशन पोजीशन इसकी कितनी, जीरो। तो अब भी ये क्या है, एटो।
अच्छा इस पॉइंट पे बताना कहाँ है, बियॉन्ड ओरिजिन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, ये पोजीशन बदलती चली आ रही है, यहाँ से टाइम आगे बढ़ रहा है पोजीशन बदलती जा रही है, तो ये बियॉन्ड ओ हो गया। तो अब मुझे बताओ ये जो सेकंड पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने कहा था ना ये आंसर आपका अधूरा है, ये सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो मैं इसका आंसर मैं दे देता हूँ आपको, और बताना फिर इसका आंसर मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तो जबकि मैं इसका भी आंसर लिख रहा हूँ आपको सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है, ए ये यहाँ गया। अब बताओ मुझे जरा थर्ड वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन टूवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन, बिल्कुल बढ़िया, यूनिफॉर्म मोशन टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब क्या हुआ, गया कुछ दूर। देखो ध्यान से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो मैं ग्राफ ग्राफ के साथ इसके मोशन बनाऊंगा, बॉडी नहीं, बॉडी को मैं रेड दे लूँ, रेड ये मेरा, ये बॉडी रुका हुआ है, रुका हुआ, टाइम बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा, टाइम बढ़ा, ग्राफ की लाइन बढ़ रही लेकिन बॉडी रुकी हुई अपनी जगह। अब बॉडी ने चलना शुरू कर दिया, यहां पहुंच गया, वापस अपनी ओरिजिन पर आ गई। अब बताना अब ये जो फोर्थ पार्ट है अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ अब ये फोर्थ पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो बॉडी तो ओरिजिन पर वापस आ चुकी, अब ये फोर्थ पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्थ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो मैंने आपको बता तो दिया, फिर से समझो, देखो ये मेरी बॉडी है ना, ये मेरा ये पेन, ये बॉडी है ये वाला, और ये ग्राफ है, टाइम आगे बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बदल रही, टाइम आगे बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बदल रही, नहीं बदल रही, अब पोजीशन बदलनी शुरू हो गई यहाँ, वापस ओरिजिन पर आ गया। तो अब ये वाला ग्राफ नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोलो बताओ? यूनिफॉर्म मोशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये भी था, ध्यान से देखो अब ये निगेटिव वाई एक्सिस पर चला गया, तो फिर से मैं बना रहा हूँ, देखना फिर से बना रहा हूँ, अब बैक साइड में चला गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से यहां तक का जो ग्राफ है, यहां से यहां तक का ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन जो 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 पोजीशन जो पहले था जिस डायरेक्शन में उससे अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से ये रेस्ट पर आ गया, जहां था वहीं थोड़ा सा पीछे जाकर रेस्ट पर आ गया। तो फोर्थ वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन अवे फ्रॉम ओरिजिन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। और पांचवा फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी एट रेस्ट, क्योंकि पीछे जाकर के रुक गया और फिर जाकर रुक गया। अब देखना जरा ध्यान से, अब कुल मिलाकर बॉडी का मोशन ये है, रुकी रही रुकी रही रुकी रही रुकी रही रुकी रही, चली चली, यहां से वापस आई वापस आई वापस आई, फिर यहाँ जाकर के रुक गई। अब ऐसा मोशन कहाँ हो सकता है, कोई रियल लाइफ में बताओ ऐसा मोशन कहाँ हो सकता है? बॉडी रुकी हुई है रुकी हुई है रुकी हुई है रुकी हुई है, चली फिर एकदम से इसकी पूरी इसके मोशन बदला अपोजिट डायरेक्शन में, फिर जहां से चली थी उसको भी पार करके और पीछे चली गई, तो कहाँ हो सकता है? अच्छा ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड नहीं है ये मोशन। सर क्रिकेट में क्या 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 बता रहे हो? क्रिकेट 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 में ऐसा हो सकता है सर, जब बॉलर बॉल फेंक दे बैट्समैन के पास, वो मार दे तो दूर भी चली जाएगी उससे। क्रिकेट में हाँ हो तो सकता है ऐसा, हो तो सकता है, हाँ
हाँ हो सकता है बिल्कुल, मगर ये रेस्ट वाला पोर्शन नहीं होगा ना फिर क्रिकेट की बॉल में, ये रेस्ट वाला पोर्शन नहीं होगा क्रिकेट की बॉल में। सर जो फुटबॉल को दीवार की तरफ किक करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, दीवार की तरफ फुटबॉल को किक करा, दीवार से रिबाउंड होकर वापस आ गई। हाँ ये हो सकता है, जैसे ये हो सकता है कि आपकी दीवार सामने है, ये फुटबॉल यहाँ रखी हुई रेस्ट पर, किसी ने इसको मारा, अब कांस्टेंट स्पीड से गई है टकरा के, फिर इसका मोशन बदल गया, फिर ये टकरा के वापस आ गई और यहाँ पहुंच करके किसी वजह से रुक गई, किसी ने दूसरे ने रोक दिया इसे, किसी दूसरे ने यहाँ रोक दिया होगा, जिसने किक करा उसके पीछे कोई और खड़ा हुआ है, उसने इसे रोक दिया होगा, तो ये मोशन पॉसिबल है। यहाँ रुकी हुई थी, रुकी हुई से किक मारी, एक डायरेक्शन में चली, देखो किक मारने के बाद फिर किक जब लग चुकी तब ये फिर यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी आगे, फिर बीच में एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन नहीं होगा, बशर्ते हम ये मान लें कि एयर का या जिस सरफेस पर ये चल रही है उसका कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, उसका रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर यहाँ से वापस आई, रिबाउंड हुई दीवार से और पीछे और कोई और खड़ा होगा, उसने इसे यहाँ रोक लिया, तो ये मोशन पॉसिबल है जो वर्णिका बता रहे हैं।